गाइस बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, किसको सपोर्ट करें किसको ना करें। चारों की इतनी अच्छी जर्नी, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, पर ज़रूर आप भी सोच रहे होंगे कि आकाश भाई के भी तरफ से सुने कि हमें कैसा फील होता है, क्या चीज़ें हमें इन चारों की भाई हैं। तो बात करेंगे चारों की जर्नी को, एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में, ट्राई करेंगे बताने का, बिकॉज हर दिन रिव्यू किया है तो बहुत सारी बातें हैं जो हम भी शेयर करना चाहते हैं। जैसे बिग बॉस ने ये जो एवी बनाई, एवी तो नहीं दिखा सकते पर बात ज़रूर कर सकते हैं। तो वेलकम टू पीपल फेम, मैं हूँ आकाश और मैं करता हूँ पर्दाफाश। कैसे हैं आप? रिव्यू करेंगे आज डे 104, जिसमें जर्नी जो बिग बॉस ने भी दिखाई इन चारों को और दिल भरा है, इन चारों का ही नहीं पूरी जनता का, पूरे देश का, ऐसे आकाश भाई का, तो वो जो दिल भराया उसको ज़रा व्यक्त करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें कैसी लगती है इन चारों की जर्नी। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विकास गुप्ता की। विकास गुप्ता एक ऐसा शख्स जो कभी पर्दे के सामने नहीं आया, पर्दे के पीछे रहा, प्रोड्यूसर बन के रहा। कैसी यारियाँ को प्रोड्यूस किया था विकास गुप्ता ने, और जब आए तो कोई नहीं जानता था विकास गुप्ता को। बहुत कम लोग जानते होंगे जो कि टीवी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं, पर देखिए आकाश भाई को तो बिल्कुल नहीं पता था। और जब आए तो बहुत रूड लगे, और जो पहली उनकी लड़ाई हुई शिल्पा से तो दोनों ही साइको लगे हमें। तो एक जो विकास है बहुत अग्रेसिव लगे, और जो शिल्पा है बहुत ज़्यादा बड़ी साइको लगी, और दोनों ही अजीब से लगे। और जब आए विकास गुप्ता तो जिस उन्होंने एग्रेशन दिखाया, जिस तरह जो पॉलिटिकली कर रहे थे, जिस तरह पहली उनका झगड़ा हुआ जिससे प्रियंक ने उनको मारा आकाश डडलानी को और बाहर चले गए, तो उस वक्त लग रहा था जो विकास गुप्ता है बड़े ही गंदे इंसान हैं। पर धीरे धीरे एक और ज़्यादा, एक कहते हैं ना, एक लिमिट जब क्रॉस कर जाती है, इतनी गंदगी दिखी उनमें, क्योंकि जो शिल्पा है उनका जो बिहेवियर था, शिल्पा का जो बिहेवियर था बिल्कुल साइको बनी हुई थी शिल्पा भी, और उनके साथ सामने लगी हुई थी, पर धीरे धीरे जो साइकोनेस थी शिल्पा की वो देश का दिल जीतती जा रही थी। और जो देश का दिल जब कोई एक जना जीता है तो दूसरे के लिए तो दुश्मनी हो, दूसरे के लिए तो बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसे में कैसे विकास गुप्ता ने इतना प्यार बटोर लिया? क्योंकि देखिए, विकास गुप्ता ने भी बहुत एट्रीब्यूट्स दिखाया गाइस। उन्होंने एग्रेशन तो दिखाया, साथ साथ पॉलिटिक्स भी करी, साथ साथ मास्टरमाइंड की तरह भी खेले, पर साथ साथ इमोशनल भी बहुत थे। क्या बॉन्ड्स बनाए उन्होंने, क्या फ्रेंडशिप दिखाई उन्होंने, अर्शी के साथ क्या फ्रेंडशिप दिखाई, और हितेन के साथ फ्रेंडशिप दिखाई, ज्योति के साथ, सब्यासाची के साथ, प्रियंक के साथ, और सबके साथ एक्चुअल बॉन्ड्स से होंगे, पुनीश के साथ भी। पर ऐसा नहीं है कि कोई चला गया तो उसको भुला दिया, आई बिलीव बहुत रियल बॉन्ड्स दिखाए, जिनसे भी फ्रेंडशिप करते थे, जो भी वर्ड देते, अपने प्रॉमिस जो था उसको पूरा करते थे। ये एक विकास की बहुत बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई। और दूसरा, जब जिस तरह शिल्पा उनके पीछे पड़ी थी उस टाइम बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ी थी शिल्पा, और बिल्कुल बाहर निकल रहे थे, बाहर निकलने के कगार पे, तो उस वक्त जैसे टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, जैसे वापसी करी उन्होंने, जैसे बिल्कुल पूरा गेम अपने पक्ष में कर लिया, और जैसे शिल्पा के साथ अच्छे हो गए, और यू नो उन्होंने बोला कि गेम जब काल कोठरी में तो गेम खेलना अब मुझे आ गया है, तो उन्होंने लव को भड़काया, अगर आपको याद होगा पुनीश के अगेंस्ट लव ने जाके पुनीश से लड़ाई कर ली, उन्होंने बोला कि अब मैं गेम खेल रहा हूं, और टास्क में नहीं और रिलेशंस में भी, पॉलिटिक्स अगर देखें, ग्रुप बनाया, गैंग बनाया, लोग इकट्ठे करे, लोग साथ चले, और बाद में जब लोगों ने साथ छोड़ दिया, जब एक एक करके लोग निकल गए, हितेन निकल गए, अर्शी निकल गए, प्रियंक निकल गए, ज्योति निकल गए, सब्यासाची निकल गए, सब निकल गए, और जब विकास अकेले पड़ गए, पर अकेले रहते हुए भी वो आगे बढ़ते रहे, और एंड ऑफ द वीक जो फिनाले वीक है, वीक 15 तक चले गए, और अपने बलबूते पर बहुत बहुत अच्छा उन्होंने किया। और देखिए एक और साइड विकास की, देखिए मास्टरमाइंड साइड तो सब बात कर रहे हैं, पर एक और साइड जो इमोशनल है, जो गुच्चीपू वाला डांस है जो उनका, तो दिखाता है कि किस तरह एक पॉजिटिव साइड है अंदर, किस तरह एक बच्चा भी है अंदर जो अपनी माता के साथ इतना बढ़िया रिश्ता रखता है। और जब उनकी माता आई पड़ोसी घर में तो उन्होंने बोला, भाई मैं नहीं चाहता उनको देखना, क्योंकि उनसे कोई गलत शब्द ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता उनकी माता उनकी मदर को कि गलत नज़रों से देखे या कुछ गलत बात करे, तो वो बहुत डर गए थे। और बहुत बहुत बढ़िया दिखा, जब उनके काले कपड़ों पर जब हिना ने कमेंट किया तब भी दिखा कि कैसे उन्होंने बोला कि भाई मैं अगली हूँ, मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, अच्छा दिखूँ मैं भी, पर नहीं दिख पाता। जो कि आकाश भाई समझ सकते हैं, हम भी जब छोटे थे तो हमें हाइट के लिए बहुत बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया था, भाई हमारी हाइट ज़्यादा नहीं है, जितने भी हमारे दोस्त थे खासकर बहुत अच्छे क्लोज दोस्त, वो भी बहुत टॉन्ट करते थे, बहुत बुरा लगता था, तो हम रिलेट कर पाते हैं। तो जो विकास गुप्ता है, सारे कई कई एट्रीब्यूट दिखाए उन्होंने, बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जो कि
एक कॉमन इंसान रिलेट कर पाता है, और जहाँ इतने सेलिब्रिटीज़ थे, जहाँ विकास इतने पॉपुलर नहीं थे, चाहे प्रोड्यूसर होंगे, पर ये पॉपुलैरिटी जो उनको मिली है, बिल्कुल जो उन्होंने घर में अपना कंटेंट दिया उसकी वजह से निकली है, तो जो एवी थी बहुत ही सुंदर थी। कई लोग पूछ रहे हैं भैया आकाश भाई आपकी कौन सी जो कौन सी एवी सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती है, तो सीरियसली गाइज आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट एनी ऑफ द एवीज़ अपार्ट, बिकॉज आई बिलीव एवरीबडी वॉज लुकिंग सो ग्रेट, सबके लिए दिल भराया, सबके लिए आँखें नम हुई, और आई बिलीव यू नो इट इट्स वेरी वेरी एविडेंट कि जितने भी जो तीन या चार लोग फाइनलिस्ट हैं उनमें से ये जो तीन हैं विकास शिल्पा और हिना, इनका तो ये तो पहले एक दो हफ्ते में ही दिख रहा था कि तीन फाइनलिस्ट होंगे। अगर हम आप हमारा लाइव रिव्यू देखते हैं, देखिए यहाँ यहाँ प्लेलिस्ट है, और यहाँ प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लाइव रिव्यू पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और उसमें कई वीडियोज़ में कई बार हमने जब एक्स फैक्टर जब वीकेंड का वार करते थे, आकाश भाई का वार करते थे, तो आप देखेंगे कि हम हमेशा से इन तीनों को हमेशा ऊपर रखते थे और 1-2-3 रैंकिंग ही रहे हैं। बहुत एक दो बार हुआ होगा कि ये जो हैं इनमें से कोई एक फोर्थ रैंकिंग पे गया हो, जैसे आई थिंक विकास एक दो हफ्ते के लिए गए थे, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों हमारी लीडर बोर्ड में तो हमेशा पहले तीन नंबर पे रहे, तो कोई अचरज नहीं है हमें, पर बहुत बहुत प्राउड हैं हम तीनों पे और विकास पे कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा किया और करते गए, कंसिस्टेंटली खेले। तो दैट वॉज गाइज फॉर मी विकास जर्नी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ही शोड ऑल द एट्रीब्यूट्स एनी कंटेस्टेंट कैन शो इन दिस शो। अब बात करते हैं हिना खान की, तो कई लोग हैं जो हिना खान के, देखिए जो नेशन है अभी तो डिवाइड हुआ हुआ है, जैसा अभी आप देखेंगे कुछ राउंड 5 मिनट में ये जो वीकेंड का जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला, और हम चाहते थे ये जो जर्नी वाला वीडियो है आप साथ साथ देखें या इमीजिएटली बाद में देखें जब ये बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले ख़त्म हो जाए, तो जिससे आप रिलेट कर पाए जो हम कह रहे हैं और जो आप देखें स्क्रीन पे, क्योंकि हम चाहते हैं वो आप फील कर सकें। देखिए कल सैटरडे को आपने वहाँ बिग बॉस की भी देखी, आज चाहते हैं कि संडे को आकाश भाई की ये लाइव रिएक्शंस सुने, और ये गाइस दिस इज़ अनएडिटेड, दिस इज़ अनकट, कुछ ऐसा नहीं है कि हम कहीं से देख के बोल रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ये जो है ये दिल से निकलता है, और एक रिव्यूअर जो होता है वो एक जर्नी जो है हर एक कंटेस्टेंट खुद भी जीता है, तो बिल्कुल जो सोच रहे हैं, जो दिल में है, जो मन में है, वही बोल रहे हैं। तो चलिए हिना खान की बात करते हैं। गाइज हिना खान क्या बोलें, नेशन डिवाइड है जैसे हमने बोला, हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में इस वक्त, और हिना खान जितनी खूबसूरत हैं, जितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, चाहे कहते ना कि कोई भी कपड़े पहने, किसी तरीके की कपड़े पहने, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जो नाइट सूट में भी खूबसूरत लगती हैं, साड़ी में भी लगती हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में भी, ट्रेडिशनल वियर में भी, और जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा बेबाक हैं और निडर हैं। और देखिए अगर गर्ल पावर की बात करें ना, तो पहले तो लगता था जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो गोल लेकर आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत लिख रहा है, क्योंकि बहुत बिचिंग करती है आई, बहुत नेगेटिव दिखी, पर अब दिख रहा है कि किस तरह उन्होंने जो दिखाया है, जो शेरनी वाला एटीट्यूड दिखाया पूरे सीजन में, वो उसका कोई मिसाल नहीं है गाइज, और कोई भी मेल नहीं है, किसी कोई भी उनको कॉम्पिटिशन नहीं, और जितने भी सीजन आए हैं हमें लगता है जो हिना खान है उनसे अच्छा टास्क किसी ने नहीं किया होगा। और जितना कहते ना कि भाई चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कितने भी बड़े बड़े मुस्टंडे हों, जो हिना खान के सामने कोई नहीं टिका, और हर किसी को सोचना पड़ेगा 10 बार अगर हिना खान से पंगा लेना है, तो ये हिना खान ने जो दिखाया आई बिलीव इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और मोटिवेशन ले सकती हैं पूरे देश की लड़कियां, और हिना खान जैसी अगर आप हों और हिना खान जैसे एटीट्यूड रखें तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता। तो हिना खान ने ये साबित कर दिया जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, और जो टास्क उन्होंने किया, जो कहते हैं ना पैशन के साथ दिल से पूरा अपना देना। देखिए कई ऐसे दिन होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, हम भी जब सुबह उठते हैं चाहे अपने घर में भी होते हैं, तो बहुत कई बार सुस्ती आती है, कई बार लेजी फील करते हैं, जिम भी जाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो यू नो जो एक जो गोल्स होते हैं कई बार लोग शुरू तो करते हैं पर उसको एंड तक नहीं निभा पाते, पर हिना ने पूरे 104 दिन और आज 105वां दिन है, तो पूरा जो सीज़न है निकाल दिया एक सेम कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि एक भी टास्क ऐसा नहीं था जिसमें वीक निकली। एक तो बैड डे होता है, पर उनके लिए तो किसी भी टास्क में बैड डे नहीं था, सबने अपना बेस्ट दिया हिना ने। तो उसके साथ साथ गाइज उन्होंने किसी को छोड़ा भी नहीं, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लंट है, अगर फीडबैक देती हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो उनके मन में आता है वो ही दे देती है, किसी से भी नहीं डरती हैं और किसी को नहीं छोड़ती हैं। कई बार देखिए जो वो बात बोल रही हो सकता है गलत हो, पर वो छोड़ती नहीं है, ये शाय नहीं फील करती, और आई बिलीव जिस तरह उन्होंने अपनी डोमिनेशन दिखाई, जिस तरह लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, जैसे वो पलंग पर जब लेटती थी और सारे चारों तरफ उनको घेर के खड़े हो जाते, तो उससे पता चलता है कि क्या लीडरशिप क्वालिटी रखती हैं और कैसे लोग उनमें अपना लीडर देखते हैं। और साथ साथ उन्होंने जो फ्रेंडशिप्स निभाई गाइस, तो हिना खान के जो फ्रेंड्स बने हैं जैसे लव और प्रियंक, वो जो टीम का ट्रायो हुआ है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि क्या कहने, और जो उन्होंने इमोशंस दिखाए हमें, देखे हमें लगा देखिए उनसे ज़्यादा रियल कोई नहीं है, क्योंकि देखिए
कोई अपनी जो नेगेटिव साइड है वो तभी दिखाता है जब बहुत रियल हो, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। अगर आप सोचें कि कोई बस पॉजिटिव ही होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर हर इंसान में इम्परफेक्शन होती है, हर इंसान में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसको थोड़ा बहुत वीक बना देती हैं, और हिना में भी ऐसी वीकनेसेस हैं और वो दिखीं क्योंकि वो रियल हैं इसलिए दिखीं। तो यही बोलेंगे, और यू नो एंड तक उन्होंने नहीं छोड़ी। देखिए सलमान भाई ने भी उनके बारे में कई बार बोला, उनके अगेंस्ट बोला, और कई लोग जो होते हैं कई बार डीमोरलाइज हो जाते हैं, कई बार गुस्से में आ जाते हैं। जैसे सपना, आप याद होंगे, सपना जो है वो उन्होंने रिएक्ट किया सलमान भाई के साथ, अच्छी अच्छे ढंग से बिहेव नहीं किया, एटीट्यूड रखा, पर हिना ने कहीं ना कहीं यू नो बियॉन्ड द लाइन नहीं गई। चाहे उन्होंने डेफिनेटली बोला कहीं ना कहीं सलमान भाई के कमेंट्स के बारे में कि भाई आप साथ देते हैं शिल्पा का, या आप यू नो जब भी मैं कुछ करती हूँ मेरे को ही बोलते कि मैंने ठेका लिया है सबको समझाने का, पर आई बिलीव उन्होंने अपने को करेक्ट भी किया और फीडबैक को समझा और देखा, कहीं ना कहीं बदतमीजी नहीं करी और शो की गरिमा को बनाए रखा, होस्ट की गरिमा को बनाए रखा। और धीरे धीरे जैसा हम हमेशा से बोलते थे काश भाई कि भाई अगर एंड में भी अपनी इमेज करेक्ट कर लें तो वापस वो दर्जा जो अक्षरा का उनको मिल जाएगा, तो हमें लग रहा है वापस ले लिया उन्होंने, और तभी हमें लगता है कि जो फाइनलिस्ट हैं वो विकास की जगह हिना आ जाएंगी। और जैसा सुनने में भी आ रहा है तो हिना और शिल्पा में कड़ा मुकाबला होगा फाइनलिस्ट फाइनल पोजीशन के लिए, विनर पोजीशन के लिए। तो जो हिना की क्वालिटीज़ हैं, और साथ में गाइज एक और चीज़ है कि देखिए कई बार उनको कुछ भी बोला, जैसे चालू बोल दिया विकास ने कई बार, तो ये चालू बहुत बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, पर जिस तरह उनका रिएक्शन होता तो वो बिल्कुल बता देती है, भाई मेरे सामने आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपकी हिम्मत बड़ा सोच के बोलना पड़ेगा, हिम्मत नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बार पुनीश ने भी उनको बोला, बज्जात बोला, उसके बाद बहुत रोई, पर कई बार वो जो बिहेव था या तो वो इमोशनल हो जाती थी या बहुत एग्रेसिव हो जाती थी और रिएक्ट करती थी कि अच्छा मेरे को बोल रहे हो, तो मेरे को ऐसा बोला तुमने, तो वो जो उनकी यू नो जो मल्टीपल यू नो स्प्लिट पर्सनालिटी आती है कि एक तरफ तो बहुत इमोशनल, जिस तरह जब उनके जो बॉयफ्रेंड है रो जब आए घर में और जिस तरह जो जा रहे थे तो मेरे को भी ले जाओ, और किस तरह बच्चों की तरह रो रही थी, उसके साथ साथ जब टास्क होता है कोई उनसे पंगा लेता है तो किस तरह एग्रेसिव हो जाती है, तो दोनों ने शेड्स देखे और वही एक रीज़न है कि वो इतना आगे बढ़ी। और साथ साथ गाइस नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को लेकर चली हैं, एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को लेकर चली हैं। कोई भी कहते ना कई बार क्या होता है कि कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, या आपके फ्लर्ट कर लेता है, किसी मार देता है, जैसे काश कर रहे थे शिल्पा के साथ, बिकॉज शिल्पा बहुत सिंपल है, पर हिना से कोई ये पंगा नहीं ले सकता। तो चाहे वो घर हो चाहे कहीं और हो, आई बिलीव हिना जो कैरी करती हैं अपने आप को जिस तरह, वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर जैसे हमने पहले कहा कि अगर पूरे देश की लड़कियां ऐसा इंस्पिरेशन लें हिना से, तो हमारे देश की सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो सकती है। सो गाइस दैट वाज माय ब्रीफ अबाउट हाउ आई फेल्ट अबाउट द जर्नी ऑफ हिना खान। आई एम श्योर शी इज़ अ डिजर्विंग फाइनलिस्ट एंड आई एम श्योर यू थिंक ऑल्सो द सेम। चलिए बात करते हैं पुनीत शर्मा की जर्नी की। तो देखिए अगर पुनीश की बात करी जाए तो हमें तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि जो उनका टीजर था बड़ा बदतमीजी कर रहे थे भाई, ऐसे बैठे हुए थे यू नो मुझे तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, मैं तो लड़कियां कमाने आया हूँ, 50-10 हज़ार और लड़कियां कमा लूँगा, यू नो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो गाइस उस वक्त उनकी जो पर्सनैलिटी है वैसी लग रही थी कोई ऐसा बंदा जिसको थप्पड़ मार के बिठा देना चाहिए, पर धीरे धीरे जो उन्होंने कलर्स दिखाए वो बहुत ही अमेजिंग थे। और देखिए पहले तो जो उनकी जो फ्रेंडशिप वाला एंगल था आकाश के साथ वो बहुत अच्छा था, और फ्रेंड अगर फ्रेंडशिप की बात करी जाए तो सही में फ्रेंडशिप अच्छी निभाई है उन्होंने। चाहे लोग बोल रहे थे कि भाई आकाश को दगा दिया, जब आकाश को कैप्टन बनाने वाली बात थी तो आकाश को दगा दिया, पर आज हम रिलेट कर सकते हैं कि जो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो हितेन के लिए, लो हितेन भी डिजर्व करते थे एज ए कैप्टेंसी, तो कहीं ना कहीं उनमें एक एक वो है, एक समझ है कि कब लाइन को क्रॉस करना और कब नहीं करना। जैसे पूरा देश जब पूरा देश कहना पूरा घर अगेंस्ट था शिल्पा के, तो शिल्पा का साथ निभाया उन्होंने, और जो बनगी के साथ उनका रोमांस था, तो देखिए अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनके, चाहे वो इंटेलिजेंट कहें उनको, चाहे वो अग्रेसिव कहें, चाहे एंग्री यंग मैन कहें, चाहे रोमांटिक लवर कहें, और चाहे लॉयल कहें, चाहे लॉयल यू नो जो फ्रेंडशिप फ्रेंड कहें, तो सारे कैरेक्टर्स दिखाए। और जो बनगी के साथ उनका जो दिखा बिहेवियर ऐसा लग रहा था, देखिए शुरू में कि बहुत एडवांटेज ले लड़की का, बनगी ब्यूटीफुल हैं और गलत हाथों में फंस गई हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने दिखाया कि भाई जो उनका बॉन्ड है वो असली बॉन्ड है और वो कोई ये नहीं है बस कैमरे के लिए। और जब बिग बॉस की टीम भी समझी ये चीज़ कि इनका जो फेयर है अब रियल हो गया है, तो उन्होंने भी वो सारे जो बेड सीन्स हैं, बाथरूम सीन्स हैं, वो बंद कर दिए दिखाने। और सलमान भाई को भी उन्होंने बोला कि हमें रियल लग रहा है, तो जितने भी लोगों ने उंगलियां उठाई बैक बिचिंग करी इन दोनों के बारे में भाई क्या कर रहे हैं, तो वो क्लियरिफाई हुई और बड़ी इज्जत के साथ बनगी भी आज बाहर है और पुनीश भी अंदर बनगी के साथ अंदर जो हैं इज्जत के साथ हैं, और बहुत बहुत बढ़िया दिखाया उन्होंने जो उन्होंने बॉन्ड्स क्रिएट किए। और शिल्पा का साथ नहीं छोड़ा कभी, जब शिल्पा को मीडिया राउंड में जो उन्होंने डायलॉग मारा तो डायलॉग सुन के भाई मीडिया वालों ने ही नहीं सबने तालियां बजाई होंगी कि
भाई जो हाउसवाइफ है वो तो शिल्पा शिंदे है, पर साथ साथ गाइस जो एंटरटेन किया, जो देखिए जब बनगी गई तो उस वक्त कई बार क्या होता है कि आप जिसके साथ इतना सारा वक्त बिताते हैं, पूरा वक्त बिताते हैं और उसके आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, पर जब वो जाता है तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप किसी काम के नहीं रहते। पर जो पुनीश हैं बनगी के जाने बाद तो और सॉलिड हो गए, उससे दिखता है कि कितने स्ट्रांग व्यक्तित्व है उनका। और कई लोग हार जाते हैं ऐसी स्टेज पर, जो पुनीश है उन्होंने हार नहीं मानी, उल्टा बहुत और स्ट्रांग हुए और वापस गेम में आ गए। जो वो एकदम इमीडिएटली शॉट था जब बनगी गई हैं और वापस आए हैं, जिस तरह वो स्मोकिंग करते हुए काश के साथ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो उससे पता लग गया था कि भाई इस बंदे में कुछ बात है। और वो बात जो है वो दिखी बस एग्रेशन के साथ ही नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ ही नहीं, पर साथ साथ उन्होंने जो एंटरटेनमेंट दिया, जो पंचेज मारने शुरू करे बनगी के जाने बाद, तो भाई पूरे एंटरटेन हो गए और बेसिकली रिप्लेस कर दिया उन्होंने जो आकाश हैं या शिल्पा हैं, जो अर्शी हैं, उनको एज अ द बेस्ट एंटरटेनर ऑफ द हाउस। तो बहुत बहुत बढ़िया देखिए। और साथ साथ जो उन्होंने फ्रेंडशिप्स बनाई, जो विकास के साथ बॉन्ड बनाया, जो ऑलो के साथ बनाया, वो भी बहुत सही था। और निडर रहे गाइस, किसी से दबे नहीं, चाहे वो हिना हो, चाहे लव हो, चाहे विकास हो, किसी से भी नहीं डरे और सबसे पूरे पंगे लिए। और एंड में जो शिल्पा के साथ उनका इक्वेशन था वो भी बहुत प्यारा था। और जिस तरह सबका साथ छोड़ के कॉमनर्स के साथ मिल गए और स्ट्रैटेजी बनाई, टिकट टू फिनाले हासिल किया, वो भी बहुत अच्छा था। रैंकिंग्स में हमने आपको ऊपर रखा। आकाश एक्सप्लेन नहीं कर पाए सलमान भाई को क्यों उन्होंने वन नंबर पर रखा, पर पुनीश ने एक्सप्लेन किया। तो आर्टिकुलेशन की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो भी पुनीश ने बहुत बहुत बढ़िया करा। और देखिए लास्ट वीक में तो उन्होंने बिल्कुल एक अलग ही शेड दिखा दिया, जो कि बहुत ही बहुत सही था और दिखाता है कि भाई वो डिजर्विंग है नंबर फोन में। तो जो उन्होंने करा, यू नो, जो उन्होंने हिना का साथ दिया कि भाई मैं अग्री करता हूं जो शिल्पा और विकास हैं वो गलत हैं इस चीज में, चाहे विकास और शिल्पा के साथ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और रेपो है, पर हिना का साथ दिया, उन्होंने बोला कि भाई हाँ वो दोनों गलत हैं। और अपनी माँ की फोटो विकास को अपने पैरों में नहीं रखनी चाहिए थी, और आपको नहीं बोलना चाहिए था कि कुछ लोग शिल्पा आप साथ दे रही हैं, आप बोल रही हैं हिना गलत है, मुझे तो लगता है दोनों गलत है। तो वो बहुत ही बढ़िया था और आई बिलीव उस चीज़ ने दिखा दिया कि वो नंबर फोर डिजर्व करते हैं। और यू नो दैट इज माय यू नो ब्रीफ अबाउट पुनीश शर्मा जर्नी। अगर आपको ये सारी बातें, अगर आपको हमारा रिएक्शन, अगर हमारी एक तरह की एवी सेकंड वर्जन अच्छा लग रहा हो, तो गाइस जरूर लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, बिकॉज आपके जो लाइक्स हैं वो बताते हैं कि जो हम जो बातें कर रहे हैं कहाँ, क्या आप उनसे मेल खा पा रहे हैं, क्या आप उनसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो यू नो एंड ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी चीज़ें, एक एक जो जर्नी के बारे में हम बता रहे हैं, कौन सी आपको चीज़ सबसे बढ़िया लगी एक एक कंटेस्टेंट की इन चारों में से। और अब बात करते हैं द शिल्पा शिंदे की। तो गाइस दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, क्योंकि देखिए बहुत लोग जानते हैं कि शिल्पा शिंदे हमारी फेवरेट रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हम बायस रहे हैं, ना इस वीडियो में बायस रहे हैं, क्योंकि एज अ रिव्यूअर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बात करें वो बिल्कुल वो करें जो सच है। और चाहे गीता ना हो, पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि यहाँ जो बोला है बिल्कुल दिल से बोला है, बायस के साथ नहीं बोला। अगर आप हम पे यकीन करते हैं तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। और चलिए बात करते हैं हम शिल्पा शिंदे की। तो शिल्पा शिंदे का क्या क्या है ना, देखिए पहले अगर आप हमारे अगेन इन प्लेलिस्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ आई बटन में, और इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुरू में जो वीडियोज़ थे, शुरू में जो हम करते थे रिव्यू पहले कुछ दिनों, तो हमें तो बिल्कुल साइको लगती थी, हम बोलते थे बिल्कुल साइको हैं, क्या औरत हैं, क्या करके आ रही हैं। पर धीरे धीरे यही चीज जो है, धीरे धीरे उन्होंने हमारा ही नहीं, दिल पूरे देश का दिल जीत लिया। और बाबूजी की तरह तो जानते थे पर उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते थे। और जैसा शिल्पा शिंदे ने बोला कि भाई बिग बॉस आपने मौका दिया है मुझे बताने का कि असली शिल्पा शिंदे कौन है, तो देखिए गाइज यही तो चीज़ है, जब किसी को मौका मिलता है रियल लाइफ दिखाने का, ट्रांसपेरेंट दिखने का, तभी पता चलता है कि किस में कितनी बात, और शिल्पा शिंदे में तो बहुत बात है। तो खूबसूरत ही नहीं, उन्होंने जो रिश्ते बनाए घर में, जो बॉन्ड्स बनाए, जो अर्शी के साथ बनाया, जो आकाश के साथ बनाया, माँ बेटे वाला बॉन्ड था, जो बहन वाला था बॉन्ड, या जो मदर या सिस्टर वाला बॉन्ड था, वो बहुत ही बढ़िया लगा। और शिल्पा शिंदे ने देखिए जो रिश्ते निभाए, उसने बार बार फॉरगिव किया, चाहे जो जैसे एवी में भी दिखाया, जैसे नादानी में आपके बच्चों ने, आपके फ्रेंड्स ने अगर आपके साथ बुरा भी किया, तब भी आपने बार बार फॉरगिव करा, एक बार नहीं बार बार, और सही में शिल्पा ने बहुत फॉरगिव किया। और साथ में उन्होंने ब्लंट फीडबैक भी दिया, जब भी देखिए कई बार होता है कि हमारा कुछ फैमिली वाला होता है, हमारे कोई फ्रेंड होता है, तो हमें लगता है यार इसको बुरा बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा, पर शिल्पा ने, और देखिए ऐसी गेम में जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए कि भाई नॉमिनेशन में सपोर्ट करे, कैप्टनसी के लिए कोई सपोर्ट करे, टास्क में सपोर्ट करे, वहाँ उन्होंने ये बात के बारे में सोचा नहीं, ब्लंट फीडबैक इतना दे दिया कि भाई अर्शी तो दूसरे ग्रुप में ही चली गई, आकाश दूसरे ग्रुप में ही चले गए, बिकॉज जो शिल्पा हैं वो जैसे एक माँ नहीं चाहती
चाहती कि भी मेरा बेटा या बेटी खराब हो, ऐसी शिल्पा भी नहीं चाहती थी। उन्होंने बिल्कुल सही फीडबैक दिया, पर वो सही फीडबैक को सुन नहीं पाते थे अर्शी और आकाश और दूसरे ग्रुप में चले जाते थे, उनको इनफैक्ट अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। पर शिल्पा फॉरगिव करती गई, जो बहुत बहुत अच्छा दिखा। और गाइज, जो उनका विकास के साथ जो रिलेशनशिप दिखा वो तो अलग ही लेवल था, बिकॉज ऐसा तो कॉन्टेंट बिग बॉस भी नहीं बना सकते थे। जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम है उनके भी बस की बात नहीं कि ऐसा जो उन्होंने रचा, क्योंकि देखिए एकता कपूर का अगर आप शो देखें, चाहे वो स्टार प्लस हो चाहे कोई भी और चैनल, लोग कितने सारे शोज एकता कपूर बनाती हैं, पर शिल्पा शिंदे ने तो बिग बॉस में एक एकता कपूर वाला शो सास बहू बेटी बना दिया। क्योंकि देखिए जैसे विकास ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया यू नो इन मिड ऑफ द शो कि भाई जो शिल्पा शिंदे ने यहाँ एंटरटेनमेंट रचा है, जो रिलेशनशिप्स उन्होंने बनाई है, जो माँ बेटे का रिश्ता, जो राइवलरी मेरे साथ, वो सब कुछ कॉन्टेंट दिया है, वो बहुत ही बढ़िया दिया। और हाउसवाइफ भी बनी हुई है, बिल्कुल किचन में भी रहती है, तो एवरी इंडियन को रिलेट टू हर। और यही चीज जो है शिल्पा शिंदे की बात जो है हर किसी को अच्छी लगी। और देखिए इन सब चीज़ों में होते हुए कॉन्टेंट देते हुए पर वो एक लाइन उन्होंने हमेशा मेंटेन करी, गंदगी नहीं मचाई, चाहे वो टास्क हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो जो उनका विकास के साथ भी हो, तो आपको अगर याद होगा तो उन्होंने जो गाना गा रही थी एक बार, क्वेश्चन मेरा सिल दे आज, गुप्ता जी की सिल गई आज, तो वो जो तरीका था उनका वो फनी था, वो कहीं ना कहीं गंदा नहीं था, वो एग्रेसिव नहीं था, वो फनी था। तो जो मेंटेन करती थी लाइन, गंदगी नहीं मचाती थी, और वो बहुत सही था। और कभी भी गाइस जो विकास के साथ पूरा उनका रहा पूरा, उसमें जब विकास ने उनको थोड़ा भी अटेंशन दिया, कॉम्प्लीमेंट देने स्टार्ट किए, तो कहीं ना कहीं शिल्पा का गुस्सा शांत होता दिखा। और बाद में जब उनको दिखा कि भाई मेरे साथ तो डिच कहीं कर रहे हैं, जब सी बी प्लस देखा तो थोड़ी सिंपल भी हैं, थोड़ी बातों में भी आ गई, और थोड़ा उन्होंने वापस विकास के साथ यू नो फ्रिक्शन आया, पर बाद में फिर ठीक हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, पर साथ साथ एक और चीज़ जो हाईलाइट है शिल्पा शिंदे की जर्नी की, वो ये है कि सेक्रीफाइस बहुत करा है, केयरिंग बहुत लगी है। और जो केयरिंग होता है, जो सेक्रीफाइस करता है, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे शो में जो गेम शो है, बिकॉज हर हफ्ते अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो कहीं भी बाहर हो सकते हैं, तो एवरीबडी इज इनसिक्योर अबाउट द पोजीशन। उसमें अगर कैप्टेंसी आपको मिलती है तो आपको एक इम्यूनिटी मिल जाती है एक या दो हफ्ते के लिए, और पूरा घर आप कमांड में ले लेते हैं, तो जो लोगों के साथ रिलेशनशिप आपकी नहीं बन रही है वो बन जाती है, बिकॉज लोग आपके साथ मिल जाते हैं। पर शिल्पा शिंदे ने सेक्रीफाइस करा बार बार, अब खुद ही नहीं किया औरों को भी करवाया, जिससे लोग जैसे आकाश हैं या अर्शी हैं उनके अपोजिट अपोज हुए, पर शिल्पा शिंदे ने वो करना बन नहीं किया। एंड मोमेंट तक जब फ्रेम वाला था जहां वो कैप्टन बन सकती थी आराम से, वहां भी गिव अप कर दी कैप्टनसी। और हम देखिए पहले कह रहे थे, आकाश भाई ने भी बोला कि क्या कर रही हैं, गलती कर रही हैं, पर दिखता है कि वो भाई ऐसी ही हैं, और जो कोई रियल होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वैसे ही होता है, तो वो नहीं कर पाई, वो यू नो सेक्रीफाइस करती गई। और दिखाता है उनका जो कैरेक्टर है, और देखिए स्ट्रांग कैरेक्टर जैसा हिना का है, जैसा कैरेक्टर लेकर घूमी है ऐसी शिल्पा ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेकर घूमी है। बट डिफरेंस ये है कि हिना खान को भैया काज डुलानी किस नहीं कर सकते, शिल्पा शिंदे को कर पाया, क्योंकि शिल्पा शिंदे थोड़ी सिंपल भी हैं, थोड़ी प्यारी भी हैं, थोड़ा यू नो कहीं ना कहीं फॉरगिव कर देती हैं। तो जो शिल्पा शिंदे के साथ हुआ, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो कैरेक्टर में कहीं भी उनकी हिना से कमी है। आई थिंक हिना के जितना उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, मुझे लगता है कि शिल्पा शिंदे को भी अगर कोई भी भारतीय नारी देखे तो जरूर इंस्पायर होती होगी और जरूर मोटिवेट करा। उन्होंने देखिए एक लड़के को, एक इंसान को, एक मेल को भी मोटिवेट करा कि भाई यू नो लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और देखिए शिल्पा शिंदे को देखते देखते हमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो औरतें होती हैं कई बार बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, पर पता नहीं चलता, रियलाइज नहीं होता। तो हमें तो चाहे अपनी माँ की बात करें, चाहे किसी भी और वुमेन हु इज़ इन माई लाइफ बात करें, तो रिस्पेक्ट बड़ी है शिल्पा शिंदे को देखने से। और शिल्पा शिंदे ने ये बड़ी अच्छी चीज़ करी है इंडिया की जनता के लिए कि, और देखिए एक चीज़ और स्टैंड आउट होती है शिल्पा शिंदे के बारे में कि जो फैन बेस है, जो पागलपन है, जो दीवानापन है, 1 मिलियन ट्रेंड, आज 3 मिलियन ट्रेंड, देखिए चाहे ट्रेंड्स थोड़े बहुत प्लान भी होते हैं, थोड़े बहुत यू नो ट्वीट यू नो वो भी होते हैं कि भाई उनको वायरल करा जाता है, पर इतने ट्रेंड, इतना पागलपन, इतना दीवानापन तो कहीं नहीं होता, किसी भी सीजन में नहीं होता। देखिए किसी भी फिल्म एक्ट्रेस के कंपैरिजन में आज खड़ी हो सकती हैं शिल्पा शिंदे, जो टीवी की यू नो नंबर वन हो गई हैं, टीवी की कहते हैं ना दीपिका पाडुकोन हो गई हैं, माधुरी दीक्षित हो गई हैं, श्रीदेवी हो गई हैं। तो जो शिल्पा शिंदे हैं उनका अलग ही जो फैन बेस बना है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग नहीं थी जैसे विकास गुप्ता या हिना खान की हो, पर तब भी यू नो उनके फॉलोअर्स भी इतने नहीं थे। सारे जो फॉलोअर्स हैं, सारे जो फैंस हैं, मेजर इजाफा जो हुआ है और शिल्पा शिंदे का हुआ है, और किसी भी सीजन में इतना प्यार तो किसी भी कंटेस्टेंट को नहीं मिला, तो शिल्पा शिंदे ने हिस्टोरिक किया है। और आई होप शी विंस, वी आर स्टिल यू नो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट न्यूज़ वेदर शिल्पा शिंदे वर्सेज हिना खान कौन जीता है, पर हमें लगता है शिल्पा शिंदे ज़रूर जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छाप छोड़ी है सीजन में वो ऐतिहासिक है, और जो ऐतिहासिक कॉन्टेस्टेंट होता है वो कभी हारता नहीं है, और बहुत पॉजिटिव दिखी है, चाहे थोड़ी बहुत बिचिंग करी पर बहुत बहुत पॉजिटिव दिखी है। हर किसी में कमी होती है, हर किसी में वीकनेस होती है, अगर थोड़ी बहुत बिचिंग भी नहीं करती तो ऐसा लगता अभी देवी आ गई हैं, गॉडेस बैठी हुई हैं, तो ये गॉडेस हैं कि तो आरती करनी चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत तो नेगेटिव हर किसी में दिखता है, पर शिल्पा शिंदे की जो ये जर्नी थी
उससे उससे बढ़िया जर्नी कोई नहीं रही। जितने भी लोग बाहर आए, जितने भी एक्स कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उन सब ने बाहर आके शिल्पा शिंदे को विनर बताया, बहुत लोगों ने विनर बताया, बहुत लोगों ने उनको पॉजिटिव बताया। देर आर एक्सेप्शंस ऑफकोर्स लाइक शिवानी दुर्गा, पर 95% 98% देखा जाए तो शिल्पा शिंदे के भक्त बन रहे हैं सब। और आई एम वेरी, देखिए अब शिल्पा शिंदे की बातें हो गई, सो गाइस दिस वाज शिल्पा शिंदे जर्नी इन माय ओन वर्ड्स। यू नो इफ यू लाइक दैट, ज़रूर आप यू नो थम्स अप करिए इस लाइव स्ट्रीम पे। और लाइव स्ट्रीम नहीं, आज तो वीडियो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीम नहीं है ना लाइव चैट है। पर देखिए जितने भी लोग हमारा ये जो वर्णन है इन सब चारों जर्नीज का, अगर वो सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रात को जो फिनाले अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, 16 मिनट हो गए हैं, 9:16 है हमारी वॉच पे, और ये अभी लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइज, अब थोड़ी देर में आप देख लेंगे हमारे चैनल पे। पर ये बता दें कि जब ग्रैंड फिनाले खत्म होगा तो रिव्यू करेंगे इस चैनल पे, आपको अपलोड करेंगे वीडियो पर, उसके बाद लाइव चैट पे मिलेंगे आकाश भाई चैनल में, जो आपको अगेन यहाँ आई बटन है वहाँ उस लाइव स्ट्रीम का लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, इस लाइव स्ट्रीम के जो लिंक है उस पर जाके रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जैसे जब भी लाइव जाएँ तो आपके साथ लाइव चैट कर पाएँ, और आपकी वेट करेंगे वहाँ लाइव चैट करने के लिए। ग्रैंड फिनाले को जरा अच्छा क्लोजर देंगे। और अब आपसे अलविदा लेते हैं, आकाश भाई भी बहुत भावुक हैं, जो हमारी भी आपके साथ जो जर्नी रही है बहुत ही बढ़िया रही है, बहुत मिस करेंगे। आज रात को लास्ट टाइम मिलेंगे बिग बॉस के लिए, पर जो जर्नी है वो बंद नहीं होगी इस चैनल पे या आकाश भाई चैनल पे, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, कंटेंट आता रहेगा। जो आप देखना चाहते हैं वो तो हो गई, और जो आकाश भाई जिस चीज़ में महारत हासिल करी है, जिसमें हमारी स्पेशलिटी, उसके बारे में बहुत बातें करेंगे। तो पिक्चर अभी बाकी है, जुड़े रहिए, बहुत कुछ होना बाकी है, और सीज़न 12 भी आना बाकी है। उसके ऑडिशंस के बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे एंट्री लेनी है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, सारी जो एक्यूरेट है न्यूज़ और बिल्कुल ब्लंट एनालिसिस, लॉजिक बेस्ड एनालिसिस। थोड़े बहुत आकाश भाई के कॉन्टैक्ट्स और बढ़ गए सीज़न 11 के बाद, क्योंकि संभावना सेठ जी के बाद जो जो उनको देखते थे, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों चाहे कॉमनर्स हों, आकाश भाई को देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल। और सबसे ज़्यादा एक और शख्स हैं कंटेस्टेंट जो आकाश भाई को प्यार करते हैं, तो उन्होंने ये छोटा सा प्रोमो करा, इसके साथ आपको छोड़ जाते हैं। तब तक के लिए सत श्री अकाल, शुभकामनाएं आपको, चीयर्स एंड गुड बाय। What's up everybody, it's Akash AKS Dadlani, your rapper, your rock star. I want you to keep watching Akash Bhai, not me, on Peepoye Fame.